Hello students, how are you? So I'm your mentor Vipin Kumar. So once again I welcome you on this platform of Augustu Learning. तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो भी आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको इसको तैयार करके चलना है. यू विल हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक इफ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इन योर एग्जाम्स. सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स कि लीड्स 2022 सर्वे कंप्लीटेड. जैसा कि आप देख सकते हैं कि लीड्स का 2022 का सर्वे जो है वो कंप्लीट हो चुका है. तो यदि बात की जाए कि लीड्स स्टैंड्स फॉर, लीड्स की जो फुल फॉर्म है वो आपको पता होना चाहिए. लीड्स स्टैंड्स फॉर लॉजिस्टिक ईज फॉर अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स. तो भारत सरकार ये सर्वे जो है हर साल आयोजित कराती है लीड्स का, और इसका जो प्राइम फोकस होता है वो होता है कि भारत में जो लॉजिस्टिक की क्या स्थिति है उसके बारे में बात करती है भारत सरकार. लॉजिस्टिक आप जानते हैं, यदि मैं हिंदी में आपके लिए एक्सप्लेन करूं तो परिवहन और आपूर्ति. एक सामान को आपको किसी स्थान पर पहुंचाना है तो उसके लिए आपको पता है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है, लॉजिस्टिक सर्विसेज की जरूरत होती है. और भारत में लॉजिस्टिक सेक्टर जो है उसकी इंप्रूवमेंट के लिए सरकार काफ़ी ज़्यादा प्रयासरत है. तो लीड्स 2022 का एक सर्वे है जो कि भारत सरकार, जिसमें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जो है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, वो हर साल इसको आयोजित कराता है. और इससे पता लगता है कि हमारे देश में परिवहन और आपूर्ति का जो सिस्टम है, सामान के ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है, वो हमारे देश के जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, जो डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है और परिवहन और आपूर्ति में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हुई हैं और उसको किस प्रकार से सॉर्ट आउट किया जा सकता है. तो इस साल का जो सर्वे है वो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने वो कंप्लीट कर रहा है उसको, और सितंबर के एंड तक वो कंप्लीट हो जाएगा. और आपको जानना चाहिए कि अक्टूबर में उसकी एक रिपोर्ट पब्लिश की जाएगी जिसमें बताया जाएगा कि कौन सा स्टेट नंबर वन पे है जहाँ तक परिवहन और आपूर्ति का संबंध है, दूसरे नंबर पर कौन सा है, तीसरे पे कौन सा है. और फिर स्टेट्स को भी ये बताया जाता है कि आपके यहाँ पर क्या क्या चैलेंजेस है, किस प्रकार से आप ट्रांसपोर्टेशन को, लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ को ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं. क्योंकि किसी भी देश की उन्नति के लिए जो वहाँ का लॉजिस्टिक सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, परिवहन सेक्टर है, उसकी उन्नति बहुत ही ज़्यादा सहायक होती है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है. तो 2022 में जैसा मैं बता चुका हूँ ये सर्वे अभी चल रहा है और ये हमारे सितंबर के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा. तो सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो ये है कि आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकता है एग्जामिनर कि लीड्स सर्वे इज कंडक्टेड बाय विच मिनिस्ट्री. ये जो सर्वे है ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए. ये मिनिस्ट्री जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय. और उसके मंत्री के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है भारत के. श्रीमान पीयूष गोयल जी इस विभाग का प्रभार देख रहे हैं. और लीड्स की यदि फुल फॉर्म पूछ ले आपसे इंग्लिश में या हिंदी में, तो आपको पता होना चाहिए कि लीड शब्द किससे बना है स्टूडेंट्स. ये बना है आपका लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स. अलग अलग स्टेटों के बीच में लॉजिस्टिक ईज कैसा है, परिवहन एवं आपूर्ति का किस प्रकार का लेवल है. तो ये बात मैंने आपको की है और इसके पीछे कारण क्या है ये आपको जानना चाहिए. प्रधानमंत्री का ये आवाहन था कि भारत में जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ हैं, सामान का ट्रांसपोर्ट करने की फैसिलिटीज़ हैं, उनको रैपिडली इंक्रीज करना है. और इंक्रीज भी इस तरीके से करना है कि सामान का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सस्ता भी रहे, सुगम भी रहे और इफ़िशेंट भी रहे. तो इसके लिए ये सारी एक्सरसाइज करी जाती है. हर साल ये जो सर्वे है ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय कराता है. और आपको जानना चाहिए कि 2021 का जो सर्वे हुआ था उसमें जो रिपोर्ट पब्लिश की गई थी मिनिस्ट्री के द्वारा, उसमें गुजरात जो था वो पहले नंबर पे था. गुजरात में ये पाया गया कि इंडिया में जो गुजरात स्टेट है वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है वो सबसे इफ़िशेंट है. और उसके बाद फिर हरियाणा का नंबर आता था और फिर पंजाब था तीसरे नंबर पे. तो इस साल की रिपोर्ट जैसे मैं बता चुका हूँ अक्टूबर के महीने में पब्लिश होगी, तो उसके बारे में भी तब हम बात करेंगे डिटेल में कि कौन सा स्टेट लीड कर रहा है. और इससे रिलेटेड आपको एक बात पता होना चाहिए कि लीड्स का जो सर्वे है
वो एक डिपार्टमेंट है जो मैंने बताया वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंडर आता है, जिसको कहते हैं डीपीआईआईटी। डीपीआईआईटी एक डिपार्टमेंट है जो होता है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो इंडस्ट्री का प्रमोशन कैसे हो, इंडस्ट्रीज को कैसे प्रमोट किया जाए उनके काम को, और उसके साथ साथ देश का जो आंतरिक व्यापार है उसको कैसे प्रमोट किया जाए, बढ़ाया जाए, इसके लिए ये एक विभाग है जो किसके अंडर काम करता है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंडर काम करता है। तो आपको एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स, कि एक सर्वे कराया जाता है, एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है जिसका नाम होता है LPI, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। LPI की फुल फॉर्म क्या है आपको पता होना चाहिए, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। और क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, मैंने देखा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि LPI जो है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसको पब्लिश कौन करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि LPI इज पब्लिश्ड बाय, और दिस रिपोर्ट इज इश्यूड बाय, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक। आपको पता है एक संस्था है जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक, ये LPI लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को पब्लिश करती है, उसके ऊपर रिपोर्ट, और बताती है कौन सा देश किस नंबर पे है जहां तक परिवहन और आपूर्ति का निजाम है, सिस्टम है उस देश का। तो इस कारण भारत सरकार का भी इस पे विशेष थ्रस्ट है। और आपको एक बार और योजना के बारे में पता होना चाहिए जिसका नाम है गति शक्ति योजना, आपने शायद इसके बारे में सुना होगा, गति शक्ति योजना। ये भी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री ने इसका शुभारंभ किया था, और कई बार पूछ लेता है कि गति शक्ति जो योजना है इसका मूल उद्देश्य क्या है। तो प्रधानमंत्री जी की सोच ये थी इस योजना को शुरू करने में, कि जो लोगों का जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करने की जो उनका तरीका है, सिस्टम है, लोग भी आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट कर सकें, और सामान का जो मूवमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो भी सुगमता से कम पैसों में इफिशेंटली हो सके, इसके लिए गति शक्ति योजना भारत सरकार पहले ही लेके आ चुकी है। तो ये बातों का आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि ये जो लीड्स दैट इज लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, विभिन्न राज्यों के बीच में परिवहन एवं आपूर्ति का जो आराम का जो उसका लेवल है, कंफर्ट का जो उसका लेवल है, उसकी रिपोर्ट हर साल पब्लिश की जाती है। एक मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है DPIIT, जो किसके अंडर आता है, वो आता है आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंडर, और हर साल पब्लिश होती है रिपोर्ट, और इस साल कौन सा स्टेट लीड करेगा ये आपको पता चलेगा अक्टूबर में। तो स्टूडेंट्स, ये मैं जैसा कि आपको बताता हूं कि जो कुछ करंट में घटित हो रहा होता है, अभी घटित हो रहा है, वो आपके एग्जामिनेशन से जोड़कर आपका एग्जामिनर वहां से क्वेश्चन बनाता है। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि आपको इस प्रकार से पढ़ाया जाए कि आप बिल्कुल इजीली अपने एग्जामिनेशन को क्रैक करने की स्थिति में हो, और आपको कॉन्फिडेंस आए कि यस आई कैन क्रैक दिस एग्जाम। सो ओके स्टूडेंट्स, विल मीट इन एन अनदर सेशन। सुमन सुमन।